मेकअप से पहले मैं यहाँ पर सबसे पहले लगा रही हूँ एलोवेरा जेल। ये थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है तो हमारे मेकअप को बहुत ही आसानी से स्टिक कर लेता है, लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद फाउंडेशन के प्लेस पर मैं यहाँ पर ले रही हूँ बीबी क्रीम NYBA की, जो कि बहुत ही अच्छा सा कवरेज दे देती है एवरीडे मेकअप के लिए या डेली मेकअप के लिए, डे टाइम में जो हम करते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड बहुत ही ईजीली ब्लेंड हो जाएगी। यहाँ पर फिंगर्स की हेल्प से ही मैं जो है इसको ब्लेंड कर दे रही हूँ, कोई अलग से स्पॉन्ज वगैरह नहीं मैं ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका कवरेज जो है लो टू मीडियम है। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी कुछ एरियाज़ को, जैसे कि अंडर आई एरिया है, आईलेड है, नोज़ का एरिया है, तो इन सब के लिए मैंने ओलिविया का पेन स्टिक लिया है, जो कि बहुत अच्छा सा एक हाइलाइटिंग इफेक्ट देगा मेरे फेस को। एंड ब्रश की हेल्प से मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इट्स एन अमेजिंग फाउंडेशन स्टिक, या फिर आप कंसीलर स्टिक इसको बोल सकते हैं। बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाती है, बिगनर्स फ्रेंडली है, आप ट्राई कर सकते हैं इसको। अपने मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर जो है मेबलिन का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरे पूरे फेस को बहुत अच्छे से मैटिफाई करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड जिन जिन जगह पर मैंने जो है पेन स्टिक अप्लाई किया था कंसीलर, उसको मैं जो है सेट कर लूँगी। फॉर माई ब्लश मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी का ब्लश पैलेट ले रही हूँ एंड उसको एज अ ब्लश की तरह अप्लाई कर रही हूँ। एंड ये बहुत ही ज़्यादा सटल सा एक ग्लो सा देता है हमारे फेस पर, एक पिंकी सा ग्लो जो कि आपको दिख रहा होगा। उसके बाद मैं अपनी आईज़ में जो है कोल अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ पर मैंने जो है नायका का रॉक द लाइन काजल अप्लाई किया है। उसके बाद अपनी आईब्रोज़ को मैं थोड़ा थोड़ा सा फिल इन कर लूँगी, जस्ट जो मेरी एक्चुअल शेप है आईब्रोज़ की, जो मेरी एक्चुअल शेप है बस उसको मैं फिल इन कर लूँगी उसी शेप में, एंड स्पूली की हेल्प से उसको अच्छे से सेट कर लूँगी। आईलाइनर के लिए यहाँ पर मैंने ब्लू कलर का आईलाइनर यूज़ किया है, जो कि स्टेक वर्की का है। एंड अगेन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आईलाइनर है, इनका मुझे ब्लैक वाला भी बहुत पसंद आया एंड ब्लू आईलाइनर भी इनका काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, यू कैन सी। देन रेड एंड वाइल्ड का जो है ब्लश लेकर मैं इसको ब्लश की तरह यूज़ नहीं करूँगी, मैं यहाँ पर इसको जो है अपने क्रीज एरिया पर सिर्फ अप्लाई करूँगी एक हल्का सा रेडिएशन देने के लिए, क्योंकि मैंने आई मेकअप बिल्कुल भी हैवी नहीं किया है, बहुत ही बिगनर्स फ्रेंडली है, टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छा है ये मेकअप लुक, ईजिली आप कैरी कर सकते हैं, बहुत बजट फ्रेंडली है। देन उसके बाद अपने हाइलाइटर में से मैंने एक सिल्वर शेड लेकर उसको जस्ट अपने मिडल ऑफ द आईलिड पर अप्लाई करा है, ताकि थोड़ा सा मतलब आई लुक थोड़ा सा जो है हाईलाइट हो। के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ अपना वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा, जो कि मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, एंड इससे मैंने अपने आईलैशेस पर अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया है। 2 से 3 बार मैंने इसको अप्लाई किया है आईलैशेस पर, ताकि एक अच्छा सा कर्ली इफेक्ट आए आईलैशेस में, क्योंकि फेक लैशेज मैं यहाँ पर नहीं लगा रही हूँ, बिकॉज ये बहुत ही बिगनर फ्रेंडली मेकअप लुक है, तो फेक लैशेज ना लगा के मैं मस्कारा से ही उसको काफ़ी अच्छे से लेयर कर लूँगी। देन हाइलाइटर के लिए मैं अगेन जो मेरा हाइलाइटर है इन कलर का शिमर ब्रिक, उसको लेकर अपने यूजल एरियाज़ पर लगा रही हूँ, नोज़ पर, ब्रिज ऑफ द नोज़ पर एंड चीक बोन्स पर, क्यूपिड बोन्स पर। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर NYBA का लिक्विड लिपस्टिक लगा रही हूँ, जो कि डार्क पिंक कलर का शेड है, एंड इसको अप्लाई कर देने के बाद मेरा मेकअप लुक होता है कम्प्लीट, एंड दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक।